अच्छा, बांगड़ा घाट पुल का है जिसका वीडियो ये दिखा रहे हैं लाइव, जो टूटा हुआ है ये पुल है और आप देख सकते हैं अप्रोच पर, ये लाइव वीडियो है, ये लाइव वीडियो है। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। आखिर इतनी जल्दबाजी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों हैं? ये सवाल जो है खड़ा होता है कि नीतीश कुमार जो है लगातार इतनी जल्दबाजी में उद्घाटन किए जा रहे हैं। और देखिए, कोई राजनीति हम लोग नहीं करना चाहते, ये हम लोगों के आंखों के सामने है जो घटना हो रही है। आज उद्घाटन हुआ, जान मान का नुकसान हो जाता तो इसका जवाबदेही कौन लेता? किसी पे ना किसी पे तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और नीतीश कुमार जी ने, अफसोस है, मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं, खुली बहस का चुनौती देना चाहता हूं। आज उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी ने कि उनसे पहले सड़कों का क्या हाल था। हम बताना चाहते हैं कि जो भी उस समय एनएच की सड़कें थी या अभी भी हैं, उसकी स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। लेकिन हम चैलेंज करना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी बताएं, उस समय केंद्र में इनकी सरकार थी, 99 से लेकर 2004 तक मंत्री रहे, लगभग एक दर्जन बिहार के केंद्र मंत्री थे उस समय भाजपा के, ऑन रिकॉर्ड श्वेत पत्र जारी करें नीतीश कुमार जी, अब बताएं कि 1999 से लेकर के 2004 तक उन्होंने बिहार को क्या दिया। मैं खुली बहस की चुनौती देता हूं, और पूरा भारत ही नहीं पूरा संसार जानता है कि 2004 से 2009 तक लालू जी ने बिहार को क्या देने का काम किया। जब चाहे लालू जी से बहस नहीं करना, ना करें, लेकिन हमसे बहस कर लें। मैं उनको खुली चुनौती देके कहना चाहता हूं, अगर है हिम्मत तो बिहार सरकार नीतीश कुमार जी श्वेत पत्र जारी करें, बताएं कि केंद्र ने 1999 से लेकर 2004 तक बिहार को क्या दिया, और 4 से लेकर के 9 तक 2000 लालू जी ने क्या क्या करने का काम किया। लालू जी ने 1,44,000 करोड़ का पैकेज दिया बिहार को इन 5 सालों में, लेकिन 1999 से लेकर 2004 तक नीतीश कुमार जी ही कारण थे जो एनएच की सड़कें निर्माण नहीं हो पाई, पैसे रोक दिए जाते थे। और आज यहां जो है उद्घाटन कर रहे हैं, किसका उद्घाटन कर रहे हैं? भ्रष्टाचार का। आज देखिए क्या स्थिति बनी हुई है, ये 509 करोड़ रुपए मामूली रकम नहीं है, बिहार कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है। एक बिहारी पे 30,000 रुपए से भी ज्यादा का कर्ज हो गया है, ये जा कहां रहा है पैसा? भ्रष्टाचार में बह रहा है। और हम लोगों ने तो पिछले बार बोली थी कि कार्रवाई की जाए, क्या कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई हुई? ब्लैकलिस्ट हुआ कॉन्ट्रैक्टर? क्या मंत्री पे कार्रवाई हुई? किसी अधिकारी पे कार्रवाई हुई? नीतीश कुमार जी को तो अंतरात्मा जगाना चाहिए, पूरा देश दुनिया देख रहा है उनका भ्रष्टाचार का खेल। तनक सा भी जो है नैतिकता और अंतरात्मा जो है वो नहीं जग रही, ये अद्भुत है। एक तरफ उद्घाटन कर रहे हैं, एक तरफ पुल, अब तो हम लाइव वीडियो भी दिखा दिए। पहली बार हम लोगों ने, वहां के लोकल लोगों ने 70 घाट के पुलों का वीडियो बना करके देखा, तो क्या क्या प्रश्न हमसे पूछे गए, क्या क्या इंजाम हम पे लगाया गया कि फेक वीडियो है, सरकार को बदनाम कर रही है। बताएं सरकार के लोग, मुख्यमंत्री जवाब दे, क्या वो नंद किशोर जी को बर्खास्त करेंगे? क्या किसी अधिकारी पे कार्रवाई करेंगे? क्या कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करेंगे और पैसा मनी जो है वो रिकवर करेंगे बिहार का जो डूबा है? तो डूबा हुआ रकम जो भ्रष्टाचार में बह गया, ये पैसा कहां से रिकवर करेंगे नीतीश कुमार जी, हमको बताएं। और इसमें तो तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, सबसे पहले तो नंद किशोर जी को बर्खास्त करना चाहिए। वैसे तो नैतिकता और जिम्मेदारी, नीतीश कुमार उद्घाटन कर रहे तो जिम्मेदारी उनकी है इस्तीफा करने का, उनको छोड़ देना चाहिए।
लगातार जो है लोग जो है देख रहा है क्या क्या नहीं देश दुनिया के लोगों ने बिहार को लेकर के पुल को लेकर के चर्चा की पिछले बार, फिर उद्घाटन कर रहे हैं। और उद्घाटन आज तो हद ही हो गई, वो तो उद्घाटन करने के 29 दिन बाद टूटा था। और एक तरफ उद्घाटन कर रहे हैं, एक तरफ बह रहा है पुल, क्यों नहीं सच्चाई को बताते मुख्यमंत्री? क्यों उन्होंने छुपाने का काम किया? क्यों नहीं बताया कि 12 दिन पहले भी टूटा था, मरम्मत के काम चल रहे थे, वहां के लोकल लोगों ने भी बताया था। ये वाले पुल के बारे में भी लोकल लोगों ने बताया कि 12 दिन पहले टूटा, भी ठीक नहीं रहेगा, इससे पहले भी जो पुल टूटा था। और पहले वाले पुल में क्या था? जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ये डबल इंजन का सरकार है, वहां के जनप्रतिनिधि लोग जो है एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। वो कहता है जेडीयू की वजह से टूटा, एक कहता है बीजेपी की वजह से टूटा। तो इसका जवाबदेही कौन देगा? हम लोग तो लगातार जो है सरकार को सचेत करते रहे हैं, उनके कमियों को गिनाते रहे हैं, लेकिन सरकार को थोड़ी सी भी तनक सी भी चिंता नहीं है बिहार का, बिहार के लोगों का। ये 509 करोड़ रुपए मामूली नहीं है, ये बिहार का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट था। और दुर्भाग्य है कि भाई पुल जो है दे रहे हैं, अप्रोच पर दे रहे हैं, लगभग 7 तटबंध जो है सारण का वो टूट गया, बांध टूट रहे हैं। कितना अब तक बिहार का अरबों खरबों रुपया जो है टूट के बर्बाद हो गया, भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गया। और इनके मंत्री कहते हैं ये मामूली बात है, आम बात है। इसलिए हम सोचे कि जो सच्चाई है वो बिहार के देश के जनता के सामने आना चाहिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम तो उनको कहते हैं मुख्यमंत्री जो हैं भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं, ऐसे ही नहीं कहते हैं नीतीश कुमार जी? कैसा है बिहार में बाहर? पूरे तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। लोग तबाह हैं, परेशान हैं, और आप जो है भ्रष्टाचार का खेल कर रहे हैं, लोगों का पैसा लुटवा रहे हैं, लूट रहे हैं, और किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो इस संदर्भ में अब तो ऐसा लाइव वीडियो कॉल करके भी हमने दिखा दिया, पहले का चंद मिनट पहले का भी वीडियो दिखा दिया, 12 दिन पहले जो टूटा था उसका भी हमारे पास जो है पिक्चर है। लेकिन सरकार के लोग हम ही को गाली देंगे, हम ही पे उंगली उठाएंगे कि विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए, बिहार का 509 करोड़ रुपया डूब गया, अब विपक्ष जो है